हेलो एवरीवन मैं हूं आस्था वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जे नोटिफिकेशन एस बैंक से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एस क्लर्क पोस्ट के लिए जो कि काफी टाइम से कैंडिडेट वेट कर रहे थे सो so फाइनली यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है टोटल वैकेंसीज एट हैं टू आठ टोटल पोस्ट हैं एंड ऑल इंडिया में है ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क की जो पोस्ट होती है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो ग्रेजुएशन रहती है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं सो नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी एस बी आई स्टेट बैंक जो है एस बी आई बैंक है इसमें क्लर्क पोस्ट पर अगर आप भर्ती चाहते हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है क्वेश्चन है क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके सो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं सो so यहां पर आप ये देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस ये जो एप्लीकेशन है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 7 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे 17th नवंबर टू 7th दिसंबर 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर आप इसका ये देख रहे हैं प्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन मंथ ऑफ जनवरी 2024 इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें प्री एंड मेंस ये दो स्टेजेस होते हैं और इंटरव्यू इस पोस्ट पर नहीं रहता है तो आपका जो प्री होगा वो जनवरी 2024 में रहेगा मेंस एग्जामिनेशन आपका जो रहेगा वो फरवरी 2024 में ठीक है तो ये यहां पर ऑफिशियल साइट दी गई है आप इस साइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सके हैं कैंडिडेट हु प्रोड्यूस टेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्क्शीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑब्जेट लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर टू अंडर गो द लैंग्वेज टेस्ट जो भी टेंथ एंड ट्वेल्थ में जैसे आप जिस स्टेट से या जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहती है अगर आपने वो टेंथ या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पर पढ़ी हुई है तो फिर आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट देयर इज नो यहाँ पर दिया गया जो सर्टिफिकेट हो या आपने एज अ सब्जेक्ट टेंथ या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई हो तो so, यहाँ पर विल नॉट बी रिक्वायर टू अंडर गो द लैंग्वेज टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं रहेगी ठीक है तो लोकल जो लैंग्वेज है आप जिस भी स्टेट से कर रहे हैं जौन से कर रहे हैं वह की लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए नॉलेज होनी चाहिए एंड uh, अगर आपने टेंथ ट्वेल्थ में पढ़ा है तो आपको टेस्ट भी यहां पर देना नहीं होगा ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल पोस्ट आप देख लीजिए सर्कल वाइज स्टेट वाइज एंड लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज किस स्टेट की किस सर्कल में आपको कौन सी लोकल लैंग्वेज दी गई है वो यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं मैं यहाँ आपको टोटल पोस्ट कितनी है वो यहाँ आपको बता देती हूँ तो टोटल आप देख रहे हैं आठ हजार दो सौ तिरासी हैं बाकी फिर यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके बता दी गई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज देखेंगे तो जो एज रहेगी वो एक अप्रैल 2023 से काउंट की जाएगी एंड मिनिमम यहाँ पर 20 ईयर है मैक्सिमम 28 ईयर है और ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है रिजर्व कैटेगरीज में आप यहाँ पर पूरा चार्ट देख रहे हैं एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर बर्थ डेट वगैरह बताई गई है इस डेट के बीच में आपका बर्थ डेट होना चाहिए जो रिजर्व कैट सॉरी जो कैंडिडेट uh, है उनके लिए रिजर्व कैटेगरी अपना फाइव ईयर थ्री ईयर और पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी टेन टू फिफ्टीन ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है ओके okay? सो so ये यहाँ पर आपकी एज क्राइटेरिया हो गया इसके बाद आप यहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जो इसशियल क्वालिफिकेशन है ये आपकी 31 दिसंबर 2023 तक फुलफिल होना चाहिए यानी 2023 के लास्ट में आपकी ये क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और ये जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया हो आर्ट कॉमर्स साइंस या अदर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं डेट आपने देखी ली है जो क्वेश्चन आता है कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बट आपको यहाँ पर प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर यानी जो डेट दी गई है ना इस डेट तक आपके पास, पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ये आपका यानी 2023 के लास्ट तक आपके पास आपकी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अब ये क्या है जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया है फाइनल सेमेस्टर का या और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनका अगर दिसंबर तक आ जाता है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं

टोटल आप देख रहे हैं हंड्रेड क्वेश्चन मार्क्स की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी एंड मार्किंग है मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो ये आपका रहेगा इसके बाद टाइम्स जो कैंडिडेट हैं जितनी है उसकी दस गुना कैंडिडेट मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन भी आपका ऑनलाइन होगा इसमें आपके फोर सेक्शन होंगे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड बाकी सभी में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा मीडियम का लेकिन इंग्लिश आपको अगेन जो भी इंग्लिश का पेपर होगा वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा इसमें 190 क्वेश्चन टू हंड्रेड मार्क्स टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी मेन्स एग्जामिनेशन में एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव यहां पर भी वन फोर्थ मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं ठीक है तो ये यह यहाँ पर हो गया इसके बाद जो मीडियम होगा आपका जिस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में देना चाहते हैं या अदर जो भी लोकल लैंग्वेज है वहां पर तो आप ये चार्ट देख लेंगे आप जिस स्टेट से या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आप किस किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं जैसे कि अगर आप आंध्र प्रदेश से दे रहे हैं ना तो आंध्र प्रदेश में आपको फोर ऑप्शन मिल जाते हैं हिंदी इंग्लिश तेलगू एंड उर्दू ठीक है इसी तरह से आप आसाम में भी फोर ऑप्शन मिल रहे हैं अदर अगर आप बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली से हैं तो आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शन है तो आप ये पूरा चार्ट यहाँ पर विजिट कर लीजिएगा किस स्टेट से आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको किस लैंग्वेज में यानी कितने ऑप्शन आपके पास हैं एग्ज़ाम देने के लिए अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जो हमने ऑलरेडी लैंग्वेज टेस्ट देखा था कि लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा लेकिन अगर आप टेंथ या ट्वेल्थ में आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास है लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है तो फिर आपको यहाँ पर जो टेस्ट है लैंग्वेज टेस्ट वो नहीं देना होगा लेकिन जिन्होंने टेंथ या ट्वेल्थ में जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ी हुई है तो उनके लिए यहाँ पर फिर एक टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा वो शैलरी आपकी यहाँ पर कितनी रहेगी आप यहाँ देख रहे हैं पे स्केल वगैरह यहाँ टोटल दिया गया है प्लस टू तो एडवांस इंक्रीमेंट तो ये आपका यहाँ पर सैलरी भी क्लर्क की पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं इसके बाद प्रोविशन पीरियड वगैरह जो कि रहता ही है गवर्नमेंट जॉब में आप जब जाते हैं भर्ती होते हो तो उसके पहले एक साल या दो साल का अलग अलग प्रोविशन पीरियड फिक्स किया जाता है उसके बाद आपका फाइनल जो परमानेंट भर्ती है वो हो जाती है एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे तो यहाँ पर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एफ सर्विस मैन और डी ई एस एम जो है उनके लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है जनरल ओबीसी ओवीसी के लिए सात सौ पचास रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी आप रिफंड नहीं होगी आपको किसी भी कंडीशन में अब एग्जामिनेशन सेंटर कहां रहेंगे तो प्री एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए यहाँ पर सेंटर बता दिए गए हैं तो ये भी आप नोटिफिकेशन में पूरा चार्ट देख लेंगे आपको कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे ठीक है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो स्ट्रेट वगैरह दी गई हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर सेंटर देख लेंगे आपके लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश का तो इसमें आगरा अलीगढ़ बरेली फैज़ाबाद गाज़ियाबाद गोंडा गोरखपुर झांसी कानपुर लखनऊ मथुरा मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फ़रनगर नोएडा ग्रेटर नोएडा प्रयागराज वाराणसी ठीक है तो आप जिस स्टेट से कर रहे हैं वहाँ पर आप देख लीजिएगा एमपी, पी लद्दाख केरला सभी का यहाँ पर दिया गया है तो क्लर्क की पोस्ट है काफ़ी अच्छी पोस्ट है बैंकि की जॉब है काफी कैंडिडेट वेट करते हैं बैंक वेंक वैकेंसी वेंक का 8000 प्लस वैकेंसीज आई हुई है काफी अच्छी वैकेंसी है और अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, है एक देन आपको यहाँ पर फीस भी पे नहीं करनी है तो काफ़ी अच्छा एस बी आई बैंक में जॉब लेने के लिए परमानेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिए थैंक यू